सुनो, यस सर। ये साड़ी पहन के अंदर ऑफिस में कहाँ जा रही हो? सर आई एम द न्यू एम्प्लॉय, आज से ही जॉइनिंग है मेरी। न्यू एम्प्लॉय हो तो कुछ भी पहन के ऑफिस में थोड़ी चली जाओगी? सर मैंने तो साड़ी पहनी है, साड़ी में क्या प्रॉब्लम है? साड़ी में बहुत प्रॉब्लम है, ये एक एमएनसी है, तुम्हारा घर नहीं जो तुम कुछ भी पहन के आ जाओगी यहाँ पे। कल से मुझे तुम सिर्फ फॉर्मल्स में चाहिए, समझी? मैंने बोला है ना साड़ी पहन कर नहीं आना है, अगर कल से मुझे तुम साड़ी में दिख गई यहाँ से बाहर निकालना। रुको मैडम, आपको ऑफिस में साड़ी में आने से मना किया है। पर किसने मना किया है? मैंने। पर सर क्यों? क्योंकि तुमने मेरे पास और कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं। पिछले दो दिन से मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ कि ऑफिस में साड़ी पहनकर नहीं आना, लेकिन तुम मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं। पर सर मैं क्यों मानूं आपकी बात? और साड़ी में प्रॉब्लम क्या है सर? सर हम हिंदुस्तानी औरतों की शान है साड़ी, इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करती है साड़ी। एंड सर मैं शर्ट और पैंट में कंफर्टेबल फील नहीं करती। तो ठीक है, इस ऑफिस में तो तुम्हारी एंट्री होने से रही फिर। और वैसे भी तुम जैसी गवार इतने बड़े ऑफिस में काम करना डिजर्व नहीं करती, तुम्हारे लिए घर पे काम करना ही सही, ठीक? इसलिए घर रह के काम करो। I'm firing you. But sir, ये गलत है, this is not right. This is right. निकालो इसे। निकलो यहाँ से। हेलो सर, एक प्रॉब्लम हो गई है सर। बोलो। सर वो लड़की नहीं थी सर जो साड़ी पहन के आती थी सर, उसने आपके अगेंस्ट कोर्ट में लॉ सूट फाइल कर दिया सर, मिसबिहेवियर रेसिज्म का। कोर्ट से लीगल नोटिस आया सर। क्या? यही नहीं सर, मामला और बड़ा हो गया है सर, मीडिया तक बात पहुंच गई है। मीडिया तक बात पहुंच गई है? शिट यार, नेक्स्ट मंथ हमारी कंपनी ग्लोबल मीट में जा रही है, इससे तो हमारी बदनामी हो जाएगी। तुम एक काम करो, कल उसे ऑफिस बुलाओ सेटलमेंट के लिए, ठीक है? वहीं आके बात करते हैं। जी सर। क्या? अच्छा तुम आ गई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा। आपने क्यों बुलाया सर? प्रज्ञा, आई नो मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, पर हम ये सारी चीज़ें बात करके भी तो सॉल्व कर सकते हैं ना, ये केस करके या मीडिया में जाके कोई फ़ायदा थोड़ी है। देखो तुम मुझे बताओ तुम्हें चाहिए क्या, मैं तुम्हें सब देने को तैयार हूँ, पर प्लीज़ ये केस वापस ले लो। मुझे आपको जेल में देखना है। गवार बोला था ना आपने मुझे, क्योंकि मैं साड़ी पहनती हूँ। तो बस अब देखिए ये गवार साड़ी पहनने वाली लड़की कैसे आपकी सारी अकड़ बाहर निकालती है। एक भारतीय होकर भी आपने मुझे साड़ी पहनने के लिए नीचा दिखाया है, मेरी जॉब छीन ली। ये केस तो मैं वापस नहीं ले रही। क्या तो गुस्से में कोई ऐसा फैसला मत लो, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो। सुनेंगे ना सर, कोर्ट में जज के आगे सारी बातें ध्यान से सुनेंगे। मेरा गुस्सा तो आपको जेल में देखकर ही ठंडा होगा। प्रज्ञा। और हाँ सर, साड़ी पहनने से कोई गवार नहीं होता, बल्कि इन्हीं सब सोच की वजह से ना लोग अपने कल्चर से दूर होते जा रहे हैं।